हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जी हाँ दोस्तों बिहार जीविका के द्वारा आज एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि फाइनल रिजल्ट आने वाला था वो आ चुका है स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ अनाउंसमेंट डेट ऑफ अनाउंसमेंट 15 मई 2020 यानी आज का ये अपडेट है इसमें देखिए इतने सारे पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट जो है जारी किया गया है और मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया गया है साथ ही इन सभी पोस्ट का कट ऑफ मार्क्स भी दिया गया है और सीसी पोस्ट एसी पोस्ट और जितने अकाउंटेंट पोस्ट एरिया कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जितने भी पदों पर वैकेंसी निकली थी सभी के ज्वाइनिंग के बारे में भी एक लाइन लिखा गया है तो चलिए सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए शुरुआत करते हैं चलिए सबसे पहला यहाँ पे अपडेट आता है कि यहाँ पे जितने भी पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं सभी का फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है जीविका के द्वारा चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए दो लिंक दे दिया गया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड लिंक टू लॉग इन यहाँ पे दो देखिए लिंक दे दिया गया है सबसे पहले हम लोग लिस्ट को ओपन करते हैं कि कौन कौन सा लिस्ट जारी किया गया है तो देखिए यहाँ पे पोस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है यानी कि प्रोफाइल नेम और यहाँ पे रिलीज डेट और लिंक ठीक है आज ही ये सारा रिजल्ट आया है मेरिट लिस्ट जारी किया गया है सबसे पहले अकाउंटेंट एस पी एम यू उसके बाद असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर माइक्रो इंश्योरेंस एंस, और प्रोजेक्ट मैनेजर माइक्रो फाइनेंस उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर सभी पद के लिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट और फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है लास्ट में आपका कैशियर और आईडी एसोसिएट है ठीक है यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है सभी यहाँ पे सभी पद के लिए लिंक भी दे दिया गया है जिस पोस्ट से आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका यहाँ पे लिंक दे दिया गया है आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं चलिए मैं आपको एक दो डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जा रहा है तो जिन कैंडिडेट्स का मार्क्स नहीं मा, मार्क्स कम था और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था सी पोस्ट और ए पोस्ट के लिए संभवतः हो सकता है कि आपका भी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए बिहार जीविका के द्वारा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जॉब लग जाने के बाद नहीं भी करते हैं या बहुत सारे कैंडिडेट्स का इसमें भी सिलेक्शन हुआ है और भी अदर सेक्टर में फॉर्म भरे उनमें भी सिलेक्शन उनका हुआ है तो हो सकता है कोई इसमें ज्वाइनिंग करने ना जाए तो सीट खाली रहता है तो वेटिंग लिस्ट भी जारी करने की संभावना बताई जा रही है बिहार जीविका में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि सीसी पोस्ट और एसी पोस्ट के लिए तो चलिए जान लेते हैं पूरी अपडेट जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट ये यह यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कैशियर पोस्ट के लिए ठीक है यहाँ पे देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट कैशियर और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फाइनल स्टेटस में देखिए क्या लिखा गया है फाइनल स्टेटस में यहाँ पे ऑन योर मेरिट उसके बाद ऑन योर मेरिट लिस्ट वन मेरिट लिस्ट टू मेरिट वेटिंग लिस्ट टू वेटिंग लिस्ट थ्री फोर फाइव यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया है और यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स दिया गया है कैटेगरी अप्लीकेशन नंबर और नाम यहाँ पे छः लोगों का सिलेक्शन हुआ है कैशियर पोस्ट में इनका नाम यहाँ पे, है अप्लीकेशन नंबर है कैटेगरी है और इनका मार्क्स कितना आया है वो भी दिखाया गया है और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी किया जा रहा है तो इससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि सीसी पोस्ट और एरिया कोऑर्डिनेटर एसी पोस्ट के लिए भी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जॉब नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये अच्छे लेवल की जॉब नहीं है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की तो बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हैं तो फिर से उसके लिए एक वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है ऐसा संभावना बताया जा रहा है तो आप इस प्रकार से सभी पोस्ट का मेरिट लिस्ट यानी फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और तो इस प्रकार से आप सभी पोस्ट का यहाँ से फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं यानी मेरिट लिस्ट अब आपको बता रहे हैं दूसरे पोस्ट का डाउनलोड करके उसमें भी आपको वेटिंग लिस्ट दिया गया है लाइन पे बने रहे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किसी भी पोस्ट का डाउनलोड करके यहाँ पे देखिए अकाउंट एस पी एम यू में इसका डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ उसमें भी मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट दिया गया है तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए भी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है आने वाले समय में तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है फाइनल मेरिट लिस्ट देखिए किस पोस्ट का अकाउंटेंट एस पी एम यू का इसमें भी देखिए एक मेरिट लिस्ट दिया गया है लेकिन तीन वेटिंग लिस्ट चार लि, वेटिंग लिस्ट दे दिया गया है ए सी पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट वन वेटिंग लिस्ट टू वेटिंग लिस्ट थ्री एंड वेटिंग लिस्ट फोर यहाँ पे दे दिया गया देख सकते हैं यानी कि सभी पोस्ट पोस्ट में वेटिंग लिस्ट जारी किया जा रहा है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अदर पोस्ट के लिए भी वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बताई जा रही है तो इस प्रकार से आप सभी पोस्ट का डाउनलोड कर लें उसके बाद एक लॉग इन सेक्शन दिया गया है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उसको ओपन करना है लाइन पर बने रहें एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में जानकारी दूँगा तो हम यहाँ पे एक लिंक दिया गया है उसके बारे में सब कुछ जानकारी हमने ले लिया है कि जितने भी सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं सबका मेरिट लिस्ट और फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है उसके बाद यहाँ पे एक लॉग इन सेक्शन दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं ये क्यों दिया गया है और यहाँ पर जो दो तीन लाइन लिखी गई है यहाँ पर देखिए लाइन लिखा गया है इसके बारे में समझ लें जो फाइनल स्टेटस है जो फाइनल स्टेटस चेक का है वो आप 17 मई 11 बजे रात तक चेक कर सकते हैं इसका यहाँ पे लिंक एक्टिवेट रहेगा 17 मई तक और यहाँ पे सभी पोस्ट का कट ऑफ दे दिया गया है कि कितना कट ऑफ किस कैटेगरी वाइज निकाला गया है उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ज्वाइनिंग विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली यानी कि जिन लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है जिन कैंडिडेट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है उनको सेपरेटली मैसेज किया जाएगा और मेल किया जाएगा आपका ज्वाइनिंग जब कराई जाएगी ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा सेपरेटली ठीक है एक साथ नहीं दिया जाएगा सबको अलग अलग दिया जाएगा ये जो लिंक दिया गया है यहाँ पे आप अपना बी आर एल पी एस का अप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के नीचे में एक सेक्शन दिया गया है आपको यहाँ पे चेक रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पोस्ट के लिए रिजल्ट जारी किया गया है आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं ठीक है वो तो लिस्ट में दिया गया है अलग से चेक करने के लिए ये लिंक एक्टिवेट किया गया है जिसमें आपको अप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल के चेक करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है ठीक है आप इसको 17 मई तक चेक कर सकते हैं ग्यारह बजे रात तक ठीक है तो ये पूरी अपडेट है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही सटीक जानकारी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद